हेलो दोस्त, 10 RRC का रिजल्ट आ चुका है। उसमें से सिकंदराबाद का कटअप नहीं आया है, लेकिन बिना कटअप के आपको समझाने वाले हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ पीटी के बाद क्या रहेगा कंपटीशन लेवल। हालांकि एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं करेंगे, जैसा कि आपने इस बार देखा है उथल पुथल बहुत हुआ है। माइनस से लेके प्लस तक नॉर्मलाइजेशन हो गया, जबकि सब लोग सोच रहे थे परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा, सिंपल सा फार्मूला होगा। जो चीज़ें बदल गई है, जिसमें 5-6 सवाल भी थे, RRC के नॉर्मलाइजेशन कॉमन क्यों हुआ वगैरह वगैरह, स्टैंडर्ड में मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, हाई पावर कमेटी का डिसीजन क्यों नहीं फॉलो हुआ, डबल नॉर्मलाइजेशन क्यों हुआ और CBT के बाद क्यों नॉर्मलाइजेशन बदला गया जब रिजल्ट आनी थी तब, ये सारे चीज़ें सवाल सबके मन में है। और कुछ लोग कहते हैं कि यूट्यूबर के मन में है, तो यूट्यूबर का काम है कि जो कैंडिडेट के साथ गलत हो रहा है वो चीज़ बात करें। बाकी तो रेलवे रिजल्ट देने में इतना सक्षम है कि जो हम नहीं सोच सकते उससे ज़्यादा अच्छा सोच लेता है। लेकिन टेक्निकलिटी आप देखेंगे तो कई जगह थोड़ी जो पॉइंट मिस हो रही है वो बात करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे जो कैंडिडेट हैं कि कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट कितने हैं पीटी में, उससे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि सिकंदराबाद का कंपटीशन लेवल क्या है। मैं एग्जैक्ट डाटा की बात नहीं करूँगा और मैं केवल जो डाटा अभी कम्युनिटी वाइज दिया हुआ है उसकी बात करूँगा, यानी डाटा नहीं मतलब कटअप की एग्जैक्ट नहीं बात करेंगे कि पीटी के बाद क्या होगा, लेकिन अंदाज़ा बता सकते हैं आपको कि इस लेवल पे जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले वेबसाइट पे जाइएगा, पहले PDF दिखा दूँ कि जिसमें रिजल्ट आया है, कटअप तो आया नहीं अभी। इस PDF 125 पेज के PDF है, 125 पेज में टोटल कैंडिडेटों की संख्या 24,596 है। ये तो क्लियर है, सबको हमने ब्रेकअप कर लिया है और ब्रेकअप करने का पता ही है, 2841 यहाँ का कोड है और जहाँ पे 95 है ये EWS का है, 94 है जहाँ पे आपको सिंपल सिंपल बात OBC का है, 93 है वो आपका SC ST का है और 92 SC के लिए और 91 UR के लिए ये कोड है। इस कोड के अनुसार से हम कैंडिडेट को सेलेक्ट करके वैकेंसी के टर्म में रख के एक ऐसा फार्मूला निकालेंगे जैसा कि हमने NTPC में निकाला था, जिससे हमें क्लियर सा दिख जाएगा कि कितने कैंडिडेट क्या हैं। अगर कोई कैंडिडेट मान लूँ, यहाँ पे अगर आपको समझाने के लिए थोड़ा बताऊँ कि मैं मान लूँ कि UR की पोस्ट में अगर OBC वाला कैंडिडेट गया है तो उस कैंडिडेट का नंबर तो UR से ज़्यादा होगा, तभी तो गया है, सिंपल सी बात है। और अगर UR में गया है और जितनी UR की पोस्ट है उससे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तो या तो वो UR में क्वालिफाई करेंगे या UR में नहीं क्वालिफाई करेंगे तो अपने OBC में आ जाएंगे। उसी तरह SC से, EWS से, ST से कैंडिडेट जो होंगे फिर अपने कम्युनिटी में आ जाएंगे, तो अपने कम्युनिटी का कटअप बढ़ेगा तो उस वाले कैंडिडेट तो ऊपर ही ले जाएंगे, तो रफ पता चल जाएगा। हालांकि SC कम्युनिटी और ST कम्युनिटी का एग्जैक्ट बताना थोड़ा मुश्किल होता है, हर बार गलत हो जाती है, कितनी भी प्रडिक्ट कितनी भी सटीक बनाए थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर का वेरिएशन बहुत होता है, ऊपर अच्छे कैंडिडेट बहुत ऊपर और थोड़े से नीचे आता है तो वहाँ पे रिजर्वेशन के चक्कर में नीचे भी आती है। तो ये सारा चीज़ें है डिस्कस करेंगे। वेबसाइट पे देखेंगे तो वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, वेबसाइट पे रिजल्ट अभी नहीं, रिजल्ट आ गई है, आपको कटअप नहीं मिलेगा अभी, कटअप आ जाएगा तो उसके बाद में बात करेंगे। अभी तो यहाँ पे ग्रुप डी के रिजल्ट में अभी केवल वहीं तक है जहाँ तक आप देख सकते हैं, यानी PDF तक। लेकिन हमारे पास तो एक मास्टर PDF है जो www.railwaylifelp.com के वेबसाइट पे आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिकंदराबाद का मैंने पूरा डिटेल बना लिया है, रिजल्ट भी आ गई। अब रिजल्ट आने के बाद जो सिनेरियो है उसी की केवल बात करेंगे, बाकी पहले क्या हुआ वो सब छोड़ के केवल हम वैकेंसी से शुरू करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास देखिए, एक मिनट बड़ा कर लूँ थोड़ा आपको स्क्रीन पे अच्छा दिखे। यहाँ से कम्युनिटी की बात करेंगे तो यहाँ UR, SC, ST, OBC, EWS के सीक्वेंस में सभी में है। यहाँ पे वैकेंसी UR के लिए देखिएगा 3663 है, और मैं बता दूँ कि 3663 से ज़्यादा जो कैंडिडेट OBC के हैं वही कैंडिडेट इतने क्वालिफाई कर गए हैं, यानी केवल 12,000 कैंडिडेट हैं, 12,991 में से 5,260 कैंडिडेट ऐसे हैं जो UR में क्वालिफाई कर गए UN से, यानी OBC वाला ही कैंडिडेट सफिशियंट है इस 3600 पोस्ट भरने के लिए। प्लस 3663 में CCA वाले 1867 पोस्ट है, उसमें से भी कुछ UR के होंगे, कुछ SC के होंगे, कुछ ST के, कुछ OBC के, कुछ EWS के, यानी वो भी पोस्ट कम हो जाएगी। तो कुल मिला के कहेंगे तो यहाँ पे जो आपका UR का जो 5,260 कैंडिडेट है और आपका UR में कैंडिडेट OBC का कैंडिडेट 5,260 हैं UR में, और टोटल अगर कहें तो यहाँ पे OBC की सीट है 2,577।
तो अगर मान लीजिए कि ये 12,000 कैंडिडेट हैं, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, 12,991 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं 24,596 में ओबीसी से, जिनका नंबर 5,260 कैंडिडेट का कितना ज़्यादा होगा, यूआर वाला कटअप से ज़्यादा होगा नंबर, सिंपल सी बात है, यूआर के जितने कटअप है उससे प्लस है, और ये 2,577 पोस्ट ओबीसी का है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर कैंडिडेट इसमें से कितने पास होते हैं, 5,260 का अगर जितने पास हो जाएंगे पीटी, अगर मान लीजिए कि 5,260 में से 4,000 पास हो गए, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर 4,000 पास कर गए तो ये 2,577 का कटअप भी बढ़ाएंगे और यूआर में भी जाएंगे, यानी 2,577 का कटअप, यानी सिंपल सी बात करें कि ओबीसी का कटअप यूआर के कटअप के लगभग बराबर और उससे ज़्यादा हो सकता है, क्या हो सकता है, बराबर या ज़्यादा हो सकता है, यानी जो पीटी में कटअप होगा किसका, यूआर का, वही कटअप आपकी पीटी के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यूआर का, उससे ज़्यादा होगा। उसी तरह ओबीसी अगर ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में 994 वैकेंसी है और 3,680 लोग क्वालिफाई किए हैं, यानी 3 गुना से बहुत ज़्यादा, और 878 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर में क्वालिफाई किए हैं। अब 878 में से मान लीजिए कि 500 भी अगर क्वालिफाई कर गए यूआर में या नहीं किए यूआर में, तो वो सारा चीज़ें करके यानी ईडब्ल्यूएस का कटअप यूआर से बराबर और थोड़ा कम हो सकता है, तो कम होगा, मतलब ऊपर साइड में नहीं जाएगा, थोड़ा कम होगा क्योंकि कैंडिडेट की संख्या कम है, यानी जब आपकी इनकी रिजल्ट आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन की, तो प्रेजेंट यूआर का जो कटअप होगा पीटी का उसके बराबर बराबर तक पहुंचता हुआ या उससे थोड़ा नीचे, 1-2-3 नंबर नीचे आसपास में आ जाएगा। अब बात करते हैं एससी एसटी का, तो एससी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी का ऐसा कटअप है जो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, फिर भी कह सकते हैं कि इनका कटअप कुछ न कुछ तो बढ़ेगा, और ये डिपेंड करेगा उन पे जितने क्वालिफाई कर रहे हैं कैंडिडेट, तो जितना अभी वर्तमान कटअप है उसमें तो ये कम से कम 3-5 नंबर बढ़ सकता है पीटी के लिए एससी एसटी का। हालांकि एग्जैक्ट डाटा नहीं है, 306 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं अभी, किस में, यूआर में एससी से, और 53 कैंडिडेट एसटी से क्वालिफाई किए हैं, लेकिन ये मिनिमम है, ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, इतने कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं ये मिनिमम क्वालिफाई किए हैं, मैक्सिमम बढ़ेगा, क्यों, उसके कारण बता रहा हूँ, उस मैक्सिमम इसलिए बढ़ेगा कि ये 1,867 वैकेंसी इसमें से कम हो गया है, यानी सीसीए वाले को तो यहाँ कंसीडर नहीं किया गया है रोल नंबर में, यानी टोटल लेने थे वैकेंसी में कितने, 27,984 पीटी के 3 गुना कैंडिडेट लेने थे, लेकिन लिया कितना है तो 24,500 इतने, यानी 3,388 कैंडिडेट को भी कम लिया है, और 3,388 के अगेंस्ट अगर पूरी वैकेंसी देखेंगे तो पूरी वैकेंसी तो मात्र 1,867 ही है। अब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होगा कि कई सारे चीज़ें होगा, इतना करने से ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि अभी एक सर्विस मैन वाला भी कुछ इशू हो, और दूसरा जो पोस्ट आपके ईडब्ल्यूएस का है सिकंदराबाद में, हमने कल एक वीडियो बनाया था साउथ, चलो अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं और साउथ में भर दिए तो आपके लिए एक पॉजिटिव एज है, यानी आपका एसीआर कितने हैं, साउथ में है, साउथ सेंट्रल रेलवे, और यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे में ईडब्ल्यूएस के कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका नंबर क्वालिफाई पे पास हुआ होगा, जिसके कारण से ये कैंडिडेट और कम हो रहे हैं, यानी सिंपल सी बात करेंगे कि जो तो कैंडिडेट लेने थे, अगर टोटल ऐसे कैंडिडेट लेते 3 गुना में, तो 22,383 लेना था, लिया है इन्होंने 24,596, यानी कैंडिडेट थोड़े से ज़्यादा लिए हैं, यानी जितने पीटी में क्वालिफाई करने थे उससे थोड़े कैंडिडेट इन्होंने ज़्यादा लिया है, लेकिन 1,867 जो सीसीए का पोस्ट है उसका रिजल्ट में इंक्लूजन नहीं है, जिसके कारण से इन्होंने 27,984 पोस्ट नहीं लिया है। अब बात करते हैं लास्ट वाला जो यूआर का कटअप है, तो देखिए वर्तमान यूआर का कटअप है उसमें हर जोन में देख रहे हैं सबसे ज़्यादा यूआर का ही कटअप है, और यूआर का कटअप का कारण सिंपल सी बात है कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए यूआर में वो भी बढ़ गया, और यूआर का कटअप अगर बढ़ा है तो यूआर का कटअप अगर पीटी के बाद
मैं एग्जैक्ट नंबर की नहीं बात करूंगा क्योंकि देख ही रहे आप उथल पुथल हो रहा है। पीटी के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आएगी तो 3 से 5 नंबर ये तो बढ़ना तय है, इतना तो बढ़ेगा, लेकिन एग्जैक्ट कितना पड़ेगा वो आपको पता चलेगा पीटी के क्वालिफाई कितने होते हैं। अब सवाल उठेगा आपके पास कि पीटी में क्वालिफाई कितने आते हैं। देखिए पीटी में 3 गुना कैंडिडेट हैं, हर पोस्ट पे 3 गुना कैंडिडेट लगभग हैं और उससे ज़्यादा ही है क्योंकि टोटल कैंडिडेट हम देख रहे हैं 22,383 के अगेंस्ट 24,000 लोग हैं, यानी 2200 कुछ लोगों को ज़्यादा लिया है 3 गुना से। तो अगर पीटी में जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो रेशियो होता है 2:1 का, 2 कैंडिडेट पास होता है 1 फेल होता है, ये मिनिमम है। इससे ज़्यादा हो सकता है यानी 2 से थोड़ा कम की तरफ आ सकता है, लेकिन ये मिनिमम आपको आना ही आना है। 3 कैंडिडेट में से 1 कैंडिडेट फेल या अब्सेंट हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ देते पीटी आपका अब्सेंट कर जाते हैं, जिसके कारण से आपकी होता है ये आगे का प्रोसेस। तो आप सोच लीजिए कि 2 कैंडिडेट हैं, वो 2 कैंडिडेट पे मेरिट बनेगा तो 3, 4, 5 नंबर बढ़ता है। अब वो 2 कैंडिडेट कौन पास होता है, ज़्यादा नंबर वाला या कम नंबर वाला, इस पे भी डिपेंड करता है। तो लगभग एक हम रफ आइडिया आपको बता रहे हैं कि यूआर का कटअप 3, 4, 5 नंबर बढ़ेगा, एससी एसटी का 3 से 5 नंबर के बीच में, कभी 2 भी बढ़ता है, ये लमसम एरिया है। यूआर का जो कटअप अभी वर्तमान का है उसके आसपास ओबीसी का कटअप पहुंचता हुआ दिखता है, और ईडब्ल्यूएस में इस बार थोड़ा सा नया हुआ है कि ईडब्ल्यूएस में कई बार कम भी हुआ है, तो जो यूआर का कटअप है उससे ज़्यादा नहीं जाके अभी वर्तमान जो यूआर का पीटी का कटअप है उससे कम ही जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।